हाय फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल ट्रैवलिंग पैशन पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज आपको एक नई जगह ले आई हूँ बैंगलोर में, जो कि कनिंगहम रोड में लोकेटेड है। इसे इडन पार्क के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, तो आज आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए इडन पार्क का सफ़र। इडन पार्क एक रेस्टोरेंट कम बार है, और यहाँ पे आपको ये जो कार्स दिखाई दे रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ख़ास लोग आते हैं, बहुत ही अच्छे लोग आते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, इस जगह के बारे में मुझे वाकई में पता नहीं था, तो मिस्टर दिबाकर, जिनको मैं पहले मिल चुकी थी, मिस्टर दिबाकर जो यहाँ पे मैनेजर है, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा और तभी मैं यहाँ पे आई। और इस जगह का खासियत है कि आप यहाँ पे नेचर के बीच बैठ के आप अपने फूड का मज़ा ले सकते हो। और ये जगह काफ़ी पॉपुलर है अपने बैम्बू चिकन डिशेस के लिए, अलोंग विथ जो आपका आंध्रा फूड है, आंध्रा फूड भी यहाँ पे काफ़ी खास है। तो आपको अंदर लिए चलती हूँ इडन रेस्टोरेंट, जो अभी आफ्टरनून में काफ़ी भरा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो आपको अंदर लेकर जाती हूँ। वहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि आंध्रा मील कैसे यहाँ पे सर्व किया जाता है। तो ये रही एंट्रेंस, जो कि आपको गाड़ियों के वजह से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं अंदर जाते ही आपको सब कुछ क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने म्यूज़िक डालना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे जहाँ तक यहाँ पे आके फील हुआ कि बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग्स है। यहाँ पे आप बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो, एक बहुत ही ख़ास माहौल है यहाँ पे, इतना शोरगुल नहीं है। यहाँ हम रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कैसा इंतज़ाम कर रखा इन्होंने। क्योंकि एक तो यहाँ का नेचुरल सराउंडिंग्स, जो कि फुल ऑफ ग्रीनरी है, बहुत ही खास लग रहा है। और ये ग्लास हाउस जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, और यहाँ का माहौल जो हमें रहने के लिए मजबूर कर रहा है यहाँ पे। तो आगे जाते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कार पार्किंग का अच्छा इंतज़ाम कर रखा है इन्होंने। और इस कार पार्किंग से अगर आप आगे चले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है, ये सब जगह भी बैठने के लिए ही है। यहाँ पे लोग आते हैं और अपना प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए यहीं पे बैठकर खाने का ऑर्डर करते हैं, और खाने को काफ़ी अच्छा से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे फैमिली के लोग होते हैं, कपल्स वगैरह होते हैं। तो आगे ये फाउंटेन भी आपको दिख रहा होगा, कितना प्यारा सा फाउंटेन है यहाँ पे। और इस फाउंटेन के राइट हैंड साइड में है बार सेक्शन, और इस बार सेक्शन के साथ ही में है गार्डन वाला जगह, जहाँ पे बैठ के आप गार्डन का मज़ा भी ले सकते हो और अपने खाने का भी मज़ा ले सकते हो। और यहाँ पे आपको डिफरेंट बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं सुनाई देगी। और ये ऊपर में देखो ग्लास हाउस। तो मैं आगे जा रही हूँ आगे, और क्या क्या अट्रैक्शन है इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में भी आपका बनाया हुआ है बैठने के लिए जगह, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ नीचे लोग बैठे खाना खा रहे हैं,
और आगे के तरफ चले जाओ तो ये इन सीढ़ियों से उठकर आप ऊपर जाके भी बैठ सकते हो, जहाँ पे मोस्टली कपल्स फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे कपल्स आते हैं और अपना प्राइवेसी मेंटेन करना पसंद करते हैं और यहाँ पे बैठना पसंद करते हैं। और ये रही गार्डन प्लेस, जहाँ पे आप देख रहे हो कि फैमिली के लोग बैठे हैं और यहाँ पे अपना खाना बड़ा मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। तो हम आगे निकल गए। आगे ये जो जगह मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, अभी तक आया नहीं है वो जगह। आगे ये जो जगह है ये है मोस्टली कॉर्पोरेट्स फेवरेट प्लेस, आप कह सकते हो। ये वाला नहीं, इस स्ट्रीट जाके ये मैं आपको ऊपर का दिखा रही हूँ, जो कपल्स लोगों का फेवरेट जगह है। और ये इस डोर से, अगर इस गेट से अगर आप एंटर करो तो अंदर में आपको कॉर्पोरेट फेवरेट प्लेस मिल जाएगा। यहाँ का जो खासियत है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ से इस तरह से छाव बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ऊपर में किसी ने छतरी पकड़ के रखा हो। इतना बड़ा साइज का पेड़ यहाँ का अट्रैक्शन है। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ऐसा लगेगा कि आप अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए हो। और ये फ्रेंड मैं आगे जाते हुए आपको दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा सा स्क्रीन है और आगे की तरफ प्रोजेक्टर भी रखा हुआ है और सिटिंग अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। इन्होंने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफिशियल लोग जो अपना मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। और यहाँ से थोड़ा आगे जाके हुक्का बार सेक्शन भी है, जहाँ पर आप हुक्के का भी मज़ा ले सकते हो। तो ये जगह बहुत ही खास है ईडन पार्क का। Sir, I'm capturing you. Yes, sir. You can tell us something about this wonderful outside oven-like place. What is he preparing? भैया आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पे? He'll actually prepare the okay. Pizzas and pastas here. Pizzas and pastas. Yes, this is our own pizza. So nice. Can I go inside? Yes, yes, please. So pastas are ready. Pastas are here. And some pizza preparation is going on. Yes, okay. Cutting down the vegetables. Okay. Okay. So this is how it goes inside. Yes. So nice it is. God, मुझे तो आपके हाथ से pizza जरूर आके खाना है. Fresh. अच्छा ये क्या कर रहे हैं? Base है. Cheese डाला ना अभी अपने? ठीक है. अभी उसको अंदर डालेंगे। सो देयर द पिज्जा गोज इनसाइड द ओवन फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर किरण भैया हु इज प्रिपेयरिंग पिज्जा। अभी कितने देर में इसका क्लोज करेंगे? 4 to 5 minutes में हो जाएगा। ठीक है, मैं तब तक वेट करती हूँ और देखती हूँ ये कैसे बन रहा है। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिज्जा पूरा बन के आ चुका है हमारे पास और ये कितना क्रंची और कितना यमी दिख रहा है। ज्यादातर लोगों को पिज्जा पसंद है तो पिज्जा यहाँ पे आंखों के सामने बनते हुए देखकर और ये गार्निश कर रहे हैं। वाओ अमेजिंग फ्रेंड्स, हियर वी आर मीटिंग पूजा। She is an employee here. She is from Orissa. And what is your name? Gyanender. Thank you.
Hi. Hello, ma'am. How are you? I'm good, ma'am. So, what drink is this? Ma'am, this is KF Premium Broad Beer. This is what beer? KF Premium. Kingfisher Premium. Kingfisher Premium. Okay. मुझे अभी देख सकते हैं ईडन पार्क रेस्टोरेंट के अंदर, जो कि एक रेस्टोरेंट प्लस बार है। ये हम जहाँ पे लंच किया जाता है, यहाँ पे अंदर में बैठे हुए हैं। और बहुत जल्दी वो डिस्प्ले करने वाले हैं कि यहाँ पे और कौन कौन सा स्पेशल फूड है, क्या क्या बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं यहाँ पे आके खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू टेक ए बाइट ऑफ द फूड विच द ईडन पीपल आर गोइंग टू सर्व टू अस। सो यू कैन सी मी इनसाइड ईडन पार्क रेस्टोरेंट विच इज़ वेरी पॉपुलर। वट आई हर्ड फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स दैट दे हैव बैम्बू बिरयानी। बैम्बू बिरयानी इज़ वेरी वेरी फेमस, एंड अदर देन बैम्बू बिरयानी दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम सी फूड। सो सी फूड स्पेशल इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। सो आई हैव कम हियर एज आई न्यू मिस्टर दिवाकर, होम आई मेट ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू अलसूर ग्रिल हाउस। एंड मिस्टर दिवाकर ओनली इन्वाइटेड मी टू कम हियर for the blogging, and I'm very happy to be here. I found this place very nice, very comfortable. If you are fond of, if you are a foodie, you can come here and enjoy the South food taste. Other than Andhra, every kind of foods are available here. They told me it's a continental, continental Indian, and all the other kind of foods are available here. So please enjoy the taste of the food here at Eden Park with me. Hello friends, यहाँ पे आप देख सकते हैं Andhra cuisine में जो भी food है, जो भी food items है, ये सारा यहाँ पे present है। और इसे Andhra lemon chicken, Andhra lemon chicken, okay. इसे Andhra chili chicken, okay. This spicy food, very good. This is chicken fry. This medium spicy. Medium spicy. This is Gundur chicken. This one also spicy good. This very good taste. Spicy and good. Gundur chicken. Gundur chicken. Okay. This and is mutton fry. Mutton fry. Mutton fry. Okay. So this is other specialties of Andhra. 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 Friends, here is Abhijit. Here is Abhijit, and Abhijit is going to tell me about the food that he has given here. And each of the things I have no idea. Abhijit will explain. Abhijit, in whatever language you are comfortable, you can talk. This is Andhra Day Special Kurma. Andhra? Day Special Dal Kurma. Day Special Dal Kurma. Looking so yummy. This is Andhra Pappu Special. Andhra Pappu Special. This is Carrot Paliya. This is Carrot Paliya, friends. Carrot and beans. Carrot and beans paliya. So friends, today we are going to enjoy typical... This is curd, this is day special sweet, this is rice sweet today, and sambar, this is domestic sambar, and rasam. And buttermilk also, flames also, and papad. This is including beans. So friends, मैंने आपको दिखाया था किस तरह से पिज्जा बनाया गया। सो ये पिज्जा अभी मेरे पास है और मैं इसको टेस्ट करने जा रही हूँ। तो सागर भैया एंड किरण भैया का बहुत बहुत थैंक्स कि हमारे आंखों के सामने उन्होंने पिज्जा बनाया। सो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू हैव ए बाइट ऑफ दिस फूड, द Andhra फूड एट ईडन पार्क।
So I'm going to taste this first. This is yummy. I'm really fond of Andhra food, and this is dal pappu, which is very popular in Andhra Pradesh and of course in South India. This is nice. And here is the paliya, which you can see is made out of carrot and beans, and it's looking really yummy, and I'm sure it has a healthy benefit too. This is so nice, friends. So I'll get back to you after I finish this food. Thank you. Uday bhaiya, Akhilesh bhaiya, Santosh bhaiya. Okay, thank you. तो आपके सामने यहाँ पे हाजिर है आंध्रा दम बिरयानी. ये दम बिरयानी है ना, ये आंध्रा दम बिरयानी काफ़ी पॉपुलर है पूरे साउथ इंडिया में. लोगों को स्पेशली आंध्रा का बिरयानी बहुत पसंद है. तो ये डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, और हम ज़रूर देखेंगे ये कैसे कैसा स्वाद है इसका, और इसके बारे में अभी बताने वाले हैं अभिजीत भैया, जो कि हमारे सामने खड़े हैं. तो अभिजीत बोलेंगे. अभिजीत आप बताइए इसके बारे में. एक्चुअली ये आंध्रा फेमस डिश है, चिकन बिरयानी. ये स्पाइसी होता है थोड़ा, ये अच्छा है. इट्स अ स्पाइसी चिकन आंध्रा बिरयानी, बट नॉट अ दम बिरयानी. मैंने इसको दम बिरयानी बोला है, दम बिरयानी है. तो सो आई एम करेक्ट ओनली, ये आंध्रा चिकन दम बिरयानी है. फ्रेंड्स, आप ईडन पार्क में ज़रूर आइए और यहाँ का जो आंध्रा थाली है उसका टेस्ट कीजिए. हमें तो बहुत अच्छा लगा, जो वेजिटेरियन फूड हमने खाया बहुत ही टेस्टी था. आप लोगों को यहाँ पे और एक सरप्राइजिंग फूड आइटम मैं दिखाने जा रही हूँ, जो कि ये कुकिंग फॉइल में कवर है आपके सामने. और इसका स्पेशलिटी है कि असम का जो बैम्बू चिकन करी या चिकन मेड फूड आप खाते हो, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो. ये है बैम्बू बिरयानी. सो इसके बारे में भी अभिजीत हमें बताने वाले हैं ये बैम्बू बिरयानी क्या है. अभिजीत प्लीज. ये बम्बू बिरयानी है, ये 50% आउटसाइड कुकिंग होता है, 50% इनसाइड कुकिंग होता है. थोड़ा स्पाइसी होता है. चिकन, मटन, एग, फिश, वेज सब कुछ बम्बू में ही आता है. आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं. हम अभी ओपन करेंगे चिकन बम्बू बिरयानी. देखिए हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ग्लास हाउस ईडन पार्क में लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक प्लेस है. ये आप अगर यहाँ पे आते हो और आप कोई इवेंट या कुछ कंडक्ट करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ग्लास हाउस में ज़रूर आए. यहाँ पे जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, ये ग्लास हाउस सराउंडेड बाय ये क्रीपर्स एंड स्मॉलर प्लांट्स, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, और जो कि काफ़ी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है. तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ यहाँ से ग्लास हाउस. आपको ग्लास हाउस से कुछ इस तरह का दिखेगा, जो क्रीपर प्लांट्स वगैरह है. मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से. यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, यहाँ का जो ट्रीज है. ये ग्लास हाउस जो है ना, सराउंडेड बाय ट्रीज है. फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने कहा, जो मिस्टर दिबाकर है यहाँ का मैनेजर है, इन्होंने कहा कि आप कुछ पार्टी करना चाहते हो या कुछ भी, जैसे कि बर्थडे पार्टीज वगैरह या कुछ भी सोशल थोड़ा गैदरिंग्स या गेट टुगेदर, आप यहाँ पे आराम से करवा सकते हो. मैं दिबाकर सर का फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो. मुझे ये ईडन पार्क वाला ये एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. हेलो फ्रेंड्स, आप मुझे देख सकते हो ईडन पार्क के ग्लास हाउस में, जो कि एक बहुत ही प्यारा जगह है यहाँ पे. ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉर्नर लगा ईडन पार्क में. तो आपको मैं धीरे धीरे अंदर लेके चलती हूँ. ये मेरे पीछे आप देख सकते हो एक ह्यूज सा पेड़ है, जो अपने आप में यहाँ का खूबसूरती बयान करता है.
जो कि ग्रीन है और कितना खूबसूरत है देखने में, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी आप भी एक बार यहाँ, एंड आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर दिवाकर जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया आने के लिए और इस जगह को कवर करने के लिए उन्होंने कहा, तो मैं आज ही आई हूँ इस जगह पे। यहाँ पे बहुत सारा खाना हमने खाया जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें, तो मैं आपको ग्लास हाउस के अंदर ले जाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस होल प्लेस इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी, दिस होल प्लेस इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ के बारे में बोलने के लिए। कितना खास लग रहा है ये जगह, पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे बारिश होगी ना, तो यहाँ पे आप बैठे रहोगे तो बारिश को एंजॉय कर पाओगे, चिरपिंग बर्ड्स चिरपिंग जो आप यहाँ से सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और कितना खूबसूरत है ये जगह। यहाँ पे बैठ के कुछ भी गाना भी आप एंजॉय कर सकते हो, किसी से बात करना है बात कर सकते हो, और यहाँ से सनसेट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रही जो सन हमें दिख रहा है यहाँ से पेड़ों के बीच में से, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये नीचे का जो गार्डन प्लेस है जहाँ पे लोग बैठ के लंच करते हैं, ये रात में भी ओपन रहता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबको अंदर लेके चलती हूँ ग्लास हाउस के अंदर। देखिए लोगों के बैठने का यहाँ पे, लोगों का बैठने का यहाँ पे काफी खूबसूरत सा अरेंजमेंट करके रखा है इन्होंने। यहाँ पे एक साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं with a beautiful view from outside। सोफे का काफी अच्छा अरेंजमेंट करके रखा। बहुत ही काम, बहुत ही शांत है ये जगह। यहाँ से भी आप बाहर का नज़ारा अगर देखो तो कितना खूबसूरत है। वाकई में मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से अंदर से ये ग्लास हाउस दिखता है। यहाँ का जो रूफ है देखिए, ये भी ग्लास का बनाया हुआ है, लैम्प्स वगैरह। यहाँ पे बार सेक्शन है, आपको अगर ड्रिंक्स वगैरह पसंद है तो आप यहाँ पे आराम से ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है यहाँ पे।